नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं। अगर आप भी बिहार म्यूजियम में फ्री एंट्री करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल आपको तीन मौकों पर बिहार म्यूजियम में बिना टिकट के एंट्री करने का मौका मिल सकेगा। इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम निर्देश जारी किया है। इसमें यह कहा गया है कि बाल दिवस, महिला दिवस और बिहार दिवस के दिन बिहार म्यूजियम में फ्री एंट्री दी जाए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बिहार संग्रहालय समिति के नवगठित शासी निकाय की बैठक के दौरान यह निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर वर्ष 7 अगस्त को बिहार म्यूजियम की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन बिहार के बच्चों को म्यूजियम का भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए बच्चे और बच्चियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि बिहार म्यूजियम में महिला दिवस के दिन महिलाओं की फ्री एंट्री मिलेगी, उसी तरह से बाल दिवस पर बच्चों को और बिहार दिवस के दिन वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क प्रवेश करने दिया जाएगा। इसके साथ ही बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर भी निःशुल्क भ्रमण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बताते हुए यह कहा कि इसका प्रबंधन और इसके कार्यकलापों का संचालन बेहतर ढंग से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीमों ने मिलकर बिहार म्यूजियम का डिजाइन तैयार किया है, जो अद्भुत है। यहाँ पर भ्रमण के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसीलिए इसका मेंटेनेंस बेहद जरूरी है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही बिहार के सीएम ने यह भी कहा कि पटना म्यूजियम का विस्तार भी किया जा रहा है। बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से आपस में जोड़ने का काम भी चल रहा है। इन दोनों म्यूजियम के कनेक्ट होने के बाद बाहर से आए लोगों को एक साथ दोनों जगह का भ्रमण करने का मौका मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ। बिहारी न्यूज़ में बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।